मत भूलना, अगर आपको आपके खून के रिश्ते वाले तकलीफ पहुंचाएं, यूसुफ अलैहि सलाम को याद करना जिनको उनके सगे भाइयों ने धोखा दे दिया, अगर आपके माँ बाप आपके खिलाफ हों, याद करना इब्राहिम अलैहि सलाम को जिनको उनके बाप ने आग में डलवाया, अगर ऐसी परेशानी में फंस जाओ कि बाहर आने का कोई रास्ता ना हो, याद करना यूनुस अलैहि सलाम को जो मछली के पेट में फंस गए थे, अगर कोई आप पर बोहतान लगाए, याद करना आयशा रदियल्लाहु अन्हा को जिन पर पूरे शहर में बोहतान लगाया गया, अगर आप बीमार हो और आपके जिस्म में दर्द हो, याद करना अय्यूब अलैहि सलाम को जो आपसे भी ज्यादा बीमार थे, अगर आप अकेले हो, याद करना आदम अलैहि सलाम को जो अकेले बनाए गए थे, अगर आपको किसी बात में लॉजिक नहीं दिख रहा हो, याद करना नूह अलैहि सलाम को जिन्होंने एक कश्ती बनाई बिना किसी सवाल के, अगर आपका आपके रिश्तेदार दोस्त और पूरी दुनिया के लोग मजाक बनाते हैं, याद करना हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ने नबियों को और सहाबियों को आजमाइशों में डाला ताकि आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो सब्र करने का, तो हर चीज बर्दाश्त करो सब्र के साथ।